गाइज़, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी समय हो आपके यहाँ, ठीक है। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आई हूँ, और वो कंटेंट है हमारा बायोलॉजी का, जो लेसन नंबर 8 का, हम यूनिट 3 का, जो क्लास 11 का हम लेसन पढ़ रहे थे, और वही है कंटिन्यू, ठीक है। तो उसमें हम आज टॉपिक कंटेंट करेंगे, आज टॉपिक हम लेंगे वो है रिबोसोम एंड इन्क्लूशन बॉडीज, ठीक है, ये वाला। ओके, तो ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। और गाइज, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपके जो वीडियो के डिस्प्ले है उसके ऊपर 3 ऑप्शंस हैं, उसमें एक लास्ट वाला ऑप्शन जो है जिसमें 3 डॉट्स हैं, ठीक है। तो उसमें आप जब क्लिक करोगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, हेल्प एंड फीडबैक, क्वांटिटी, क्वालिटी वाला, फिर एक क्वालिटी करके आएगा जिसमें आपको जो हाईएस्ट वो कर देना है। किसी में 360 का ऑप्शन रहता है 360p करके, किसी में 460 पी करके ऑप्शन रहता है, किसी में 720 का भी होता है, जो सबसे हाईएस्ट हो उसे कर देना है, ठीक है। और स्पीड भी आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे प्लेबैक स्पीड भी लिखा होता है नीचे, उसके ही नीचे होता है, ठीक है। तो अगर मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप 2 से कर सकते हो या 1.75 से कर सकते हो, कम लग ज़्यादा लग रही हो तो कम भी कर सकते हो, ठीक है। ऊपर है, ऊपर कम वाली है, नीचे हाई वाली है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, रिबोसोम एंड इन्क्लूशन बॉडीज, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक रिबोसोम आइसोलेटेड विथ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है हमारी, प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस ना हो, वो वाला हमने आगे पढ़ लिया है। अगर आपने डायरेक्ट ये वीडियो पे जंप कर रहे हो तो मत करना, क्योंकि ऑल आर इंटरकनेक्टेड होते हैं, सब जो टॉपिक्स होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो पहले सब टॉपिक्स देखना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक में रिबोसोम है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। देयर आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, ठीक है। इनकी जो साइज होती है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर होती है। कैसे होती है? 15 टू 20 नैनोमीटर होती है, ठीक है। उनकी साइज इतनी होती है, और वो 2 सब यूनिट से बने होते हैं, ठीक है। मीन्स 2 टुकड़ों से समझो, ठीक है, 2 टुकड़ों से बने होते हैं। एक टुकड़ा है 50s का सेड, एस का मतलब है कि सेडवर्ग यूनिट, ठीक है, जिससे हम ठीक है, सेडवर्ग यूनिट है, समझो, इतना ही समझो, ठीक है, आगे आएगा सब कुछ आपको, ठीक है। 50s से या फिर 30s से बनी होती है, ये दोनों से बनी होती है, ठीक है, 50s 30s। अब उन दोनों को जब जॉइंट करेंगे ना हम, तो कितना बनेगा? 70s बनेगा, ठीक है। हम सेंटेंस रीड करते हैं, 15s एंड द 30s यूनिट्स विच वेन प्रेजेंट टुगेदर फ्रॉम फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक रिबोसोम, ठीक है। जब 15s वाला मिलेगा और 30s दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? 70s। तो आप बोलोगे भाई इनको दोनों को तो हम प्लस करते तो 80s आता है, ठीक है, ठीक है, 80s आता है, बट 70 कैसे हुआ? पर दोनों को जब मिलाते हैं ना तो उसमें 10 जो होता है वो पार्ट निकल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट कम हो जाता है, इसलिए लिए वो 70s बन जाती है। और ये किसकी है? प्रोकैरियोटिक के। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक के कितने सब यूनिट्स है, कितने हैं, कितने रिबोसोम्स होते हैं, तो आप बोलोगे 70s, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? 50s की एक यूनिट होती है, एक 30s की यूनिट होती है, ठीक है। रिबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जो रिबोसोम होते हैं वो मेनली क्या कंटेन करते हैं? मेनली किसके सिंथेसिस होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। सेवरल रिबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीरिबोसोम एंड पॉलीसोम। ये बहुत सारे MCQs में पूछा जा गया है, और ये मतलब कि ये वाले टॉपिक का ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इतना, ठीक है, कि कई रिबोसोम, सेवरल रिबोसोम मीन्स कई रिबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA, एक सिंगल mRNA के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, सिंगल mRNA का अटैच होता है, और फिर एक चेन की तरह बना लेते हैं, चेन की तरह बना लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीरिबोसोम या फिर बोलते हैं पॉलीसोम। पॉलीरिबोसोम या पॉलीसोम दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दो दो नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब आपका नाम है रामू, ठीक है, तो आपको बोल रहा है कोई राम, पर रामू राम दोनों एक ही है, इस तरह से पॉलीरिबोसोम और पॉलीसोम भी एक ही है, सिर्फ नाम दो दो दिए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार वापस समझा रही हूँ कि कोई कोई रिबोसोम mRNA के साथ, सिंगल mRNA के साथ अटैच हो जाते हैं, चेन की तरह बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीरिबोसोम या पॉलीसोम। देखना चाहोगे इसका? देखो इस तरह से ये mRNA है हमारा, इसमें रिबोसोम अटैच हो गया, ठीक है, रिबोसोम अटैच हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीरिबोसोम या पॉलीसोम बोलेंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो मैंने आपको सेटिंग में बोला ना जाने के, कर लेना है, ठीक है, उस तरह से कर लेना। दिस द रिबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। अब जो रिबोसोम जो होते हैं, रिबोसोम जो इस तरह से जो रिबोसोम अटैच हो गए होते हैं mRNA के साथ, वो क्या करते हैं पता है? ये जो mRNA होता है ना, उसे भी प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे भी
प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ही हमने ये रिबोसोम वाले कंटेंट में समझा। रिबोसोम में क्या समझा कि उसके पास दो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, इसकी 15-20 नैनोमीटर होती है, उसके दो सब यूनिट से बना होता है 50S और 30S, उन दोनों को मिला के बनता है 70S, वो साइट मेन प्रोटीन सिंथेसिस होता है और वो सिंगल mRNA के साथ अटैच हो जाता है और बनाता है पॉलीरिबोसोम या पॉलीसोम। अब सिंगल mRNA के साथ अटैच होने लगे mRNA को, वो बना देता है प्रोटीन में। समराइज हो गया एक बार। अब पढ़ेंगे हम इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। अब समझो आपके क्या है, देखो आपके पास एक दुकान है, उसमें एक ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपके पास है, मीन्स थोड़ा ज़्यादा का माल हमने आपने ले लिया इस साल, तो आप क्या करोगे, गोडाउन पर रखोगे ना, तो ये गोडाउन की तरह समझ लो। ठीक है, गोडाउन की तरह समझ लो या फिर कचरे के डिब्बे की तरह समझ लो, जिसे समझो, समझना है, ठीक है, रखना नहीं है। ठीक है, रिजर्व मटेरियल ऐसे कोई ऐसे वेस्ट मटेरियल की तरह होता है या फिर कोई एक्स्ट्रा का मटेरियल की तरह होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो कहाँ पर रह जाता है, प्लाज्मा साइटोप्लाज्मा में रह जाता है। किस में, साइटोप्लाज्मा में रह जाता है, किसके फॉर्म में रह जाता है, इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में रह जाता है। तो आप समझो कि जो रिजर्व मटेरियल इसमें एक्स्ट्रा का मटेरियल या वेस्ट मटेरियल होता है वो प्लाज्मा में साइटोप्लाज्मा में रह जाए, साइटोप्लाज्मा में रह जाए, उसे हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, ये इसमें कोई मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होते, वो कोई ऐसे स्ट्रांग भी नहीं होते, ऐसे हार्ड भी नहीं होते मटेरियल, इसमें कोई ब्राउन नहीं होते, मीन्स सेल मेम्ब्रेन नहीं होते। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती, एंड लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्मा, और वो खुलेआम अपने इलाके में रहते हैं, मीन्स फ्री रहता है साइटोप्लाज्मा में, कोई मेम्ब्रेन या कोई स्पेसिफिक जगह इस तरह से नहीं होती, वो फ्रीली एकदम लाइक करते हैं साइटोप्लाज्मा में, साइटोप्लाज्मा में रहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स दिए गए आपको फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, तीन एग्जाम्पल्स दिए गए। ठीक है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। कई बार MCQs पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूजन बॉडीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूजन बॉडीज करके, इस तरह से हमको MCQ में एग्जाम्पल्स ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, गैस वैक्यूल, सेकेंड टॉपिक, सेकेंड सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस पढ़ रही हूँ। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ए ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब जो गैस वैक्यूल है वो इस तरह से ये इंक्लूजन बॉडीज हैं, वो कहाँ पे मिलती है, वो ब्लू ग्रीन या फिर पर्पल या ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलती है। कौन मिलती है, गैस वैक्यूल वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक सेंटेंस बन, यहाँ से कितने कितने MCQs बनते हैं मैं आपको बता दूँ। यहाँ से एक बनता है कि पॉलीसोम पॉलीरिबोसोम से पूछा जाता है, एग्जाम्पल से पूछा जाता है, और एक दूसरा है कि द टू सब, ये एक्स्ट्रा का है, एक्चुअली मैं नोट्स में पढ़ाने वाली थी बट मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देती हूँ। ठीक है, द टू सब यूनिट ऑफ रिबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट ए क्रिटिकल लेवल ऑफ इस तरह से डैश किएगा, फिर आपको ऑप्शंस दिए गए चार, मैगनीज, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन है समझो, ठीक है, पोटेशियम, आपको करना है मैग्नीशियम। ठीक है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है कि दो जो सब यूनिट्स हैं 50S की और 30S की, वो दो जो सब यूनिट्स हैं वो एकदम क्रिटिकल, मतलब कि बहुत ख़राब सिचुएशन में भी साथ साथ रहती है, तो वो किसकी वजह से रहती है, मैग्नीशियम की वजह से रहती है। तो यहाँ से आपने इतना समझ लिया। ठीक है, और पॉलीसोम और पॉलीरिबोसोम क्या है, जो जो ये रिबोसोम है अटैच कर जाएंगे mRNA के साथ और एक चेन बना लेंगे, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसोम या पॉलीरिबोसोम। ठीक है गाइस, तो ये वाला टॉपिक मैं यहाँ पे एंड करती हूँ क्योंकि दूसरे टॉपिक से मुझे एकदम न्यूली करना है, तो यूकैरियोटिक सेल से हम करेंगे और यहाँ पे मैं एंड करती हूँ ये टॉपिक का। ठीक है, तो आप अगर आगे वाले नए वीडियोज़ देखें तो जल्दी से देख लेना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।